हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने के लिए आया हूं, जिसका नाम है एडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड या आदि इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहालपूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इस शेयर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 1980 में निगमित एडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेडीमेड कपड़ों का निर्माण विनिर्माण और विपणन करती है। विनिर्माण यानी कि फैक्ट्री में बनाया जाता है और विपणन यानी कि कस्टमर को कौन से वस्तु की ज़रूरत है, यानी कि ये कपड़ा बनाता है तो कैसा कपड़ा की ज़रूरत है और कैसा पसंद करता है, उसके हिसाब से विनिर्माण एवं विपणन करती है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। इसका बाज़ार आकार 55.2 करोड़ यानी कि 55 करोड़ 2 लाख, मौजूदा कीमत 51.10 रुपया, 52 वीक का हाई लो जो होता है 61.90 रुपया और 25.20 रुपया, स्टॉक पी 20.4 और बुक वैल्यू यानी कि पुस्तक मूल्य 68.6 यानी कि 68.60, भाग प्रतिफल यानी कि डिविडेंड 2 रुपया मतलब 2.45% का, ROC 4.62%, ROE 3.62%, अंकित मूल्य 5 रुपया। मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो काफ़ी दिनों से नीचे में ट्रेड कर रहा था, 1 अक्टूबर 2021 तक में, उसके बाद में अब ट्रेंड बनाया और ये 49.15 रुपया पर गया 14 जनवरी 2022 को, फिर ये लो बनाया, लो इसका 26 रुपया, फिर से ये अब ट्रेंड पकड़ा। इस तरीके से अप एंड डाउन होते हुए अभी ये 50 रुपया लगभग 51 रुपया के प्राइस पर ट्रेड कर रही है ये चार्ट के अनुसार। पेशेवरों यानी कि प्रोज कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 0.74 गुना पर कारोबार कर रहा है और दोष यानी कि कॉन्स पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न 2.22% कम है और कमाई में 3.98 करोड़ रुपए की अन्य आय शामिल है। क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि त्रैमासिक परिणाम अगर देखते हैं तो जून क्वार्टर का सेल्स कुछ भी नहीं है यानी कि बिक्री कुछ भी नहीं है, व्यय यानी कि खर्च जो है 19 लाख का है, परिचालन लाभ 19 लाख माइनस में है। इसका जो भी इनकम हो रहा है अदर इनकम ही है यानी कि अन्य आय, ये भी नॉर्मल में है 1.24 करोड़ का। तो नॉर्मल में अगर किसी भी कंपनी का अगर इनकम हो तो वो तो अच्छा है, तो इस हिसाब से ये अच्छा है, लेकिन इसका शुद्ध लाभ जो है 80 लाख का है जिसके वजह से EPS क्वार्टरली 74 पैसा है। लाभ और हानि देखते हैं लास्ट 12 मंथ का यानी कि TTM, सेल्स कुछ भी नहीं है, व्यय 83 लाख का है,
अदर इनकम 3.98 करोड़ का है। शुद्ध लाभ 2,36,00,000। ईपीएस 2.18 रुपया। मार्च 2023 में शेयर पूंजी 5,40,00,000 का और भंडारण यानी कि रिजर्व में 68,68,00,000। ब्रोइंग यानी कि उधार 11,00,000 का। अन्य देनदारियां 43,00,000 का। कुल देनदारियां 74,62,00,000। निवेश ये 3,75,00,000 का कर चुका है, मतलब अभी है इसका 2023 मार्च के अनुसार। और अन्य संपत्ति इसके पास 66,14,00,000 का है। कुल संपत्ति यानी कि टोटल एसेट इसका बढ़ करके 74,62,00,000 का हो चुका है। नकदी प्रवाह कैश फ्लो नेट कैश फ्लो माइनस में 4,00,000 का है मार्च 2023 में, जबकि मार्च 2022 में 12,00,000 का प्लस में। शेयर धारिता पैटर्न जून 2023 में 74.27% का प्रमोटर के पास में है, डीआईज के पास में 0.11% का है, जबकि सार्वजनिक के पास में यानी कि पब्लिक के पास में 25.64% का है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी कि शेयर धारकों की संख्या 4,068, यानी कि 4,068 लोगों के पास में इसका शेयर है। काफ़ी कम लोगों के पास में इसका शेयर है। इसमें एक न्यूज भी है, उससे पहले जिस तरीके से इसका शेयर काफ़ी कम लोगों के पास में है और इस कंपनी में अदर इनकम हो ही रही है, अगर बाय द वे अदर इनकम बढ़ता है तो इसकी प्राइस अप ट्रेंड पकड़ लेगी और अदर इनकम अगर शून्य हो जाता है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ पचहत्तर लाख का है, इसलिए इसका अदर इनकम शून्य तो होना नहीं चाहिए। बाकी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ के अनुसार ही, इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है। इस कंपनी में जो न्यूज है, बीटल फाइनेंस एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से, कॉन्फर्मेशन सर्टिफिकेट इन द मैटर ऑफ रेगुलेशन 74(5) ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018। एडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड 13 अक्टूबर 2023 को यह अपडेट न्यूज है। इस कंपनी का अपडेटेड न्यूज जो है इस प्रकार है, यह प्रमाणित किया जाता है कि सेबी डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट विनियम 2018 के विनियम 74(5) के तहत आवश्यक 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान डीमटेरियलाइज्ड प्रतिभूतियों का विवरण स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है जहां के शेयर कंपनी सूचीबद्ध है। हमारे आरटीए बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से
इसकी पुष्टि करने वाला पत्र आपके संदर्भ के लिए संलग्न है, कृपया इसे अपने रिकॉर्ड में रखें।